हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। पढ़ेंगे हम क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के। इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के मोशन मैकेनिज्म के न्यूमेरिकल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल दिया होगा, पहला न्यूमेरिकल है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, अ क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म यूज्ड इन अ सेपर हैज अ सेंटर डिस्टेंस ऑफ 300 mm बिटवीन द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द स्लॉटेड लीवर एंड द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द क्रैंक। द रेडियस ऑफ क्रैंक इज 120 mm। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ कटिंग टू द टाइम ऑफ पिटन स्ट्रोक। इसमें यह दिया हुआ, एक क्रैंक और स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म है जो कि शेपर मशीन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो सेंटर डिस्टेंस है वो 300 mm है। सेंटर डिस्टेंस मतलब AC, जो ये वाली डिस्टेंस है वो आपको 300 mm दी हुई है। उसके बाद आपको इसमें दिया हुआ सेंटर रोटेशन ऑफ द क्रैंक, और क्रैंक का रेडियस है 120 mm है, मतलब ये वाला जो दिया हुआ है ये 120 mm दिया हुआ है। मतलब इसमें हमको जो दिया हुआ है AC इक्वल टू, अगर हम देखा जाए तो इसमें AC इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया है, AC दिया है आपका ये वाला 300, और आपका जो CB1 दिया हुआ है ये दिया है आपको 120, ये 120 दिया हुआ है। तो आपको ये दिया है CB1 मतलब क्रैंक रेडियस कौन सा है, क्रैंक रेडियस आपका जो ये वाला है, और जो आपका सेंटर डिस्टेंस है वो ये वाली है ए से सी तक के फॉर्म, मतलब AC दिया हुआ और CB1 दिया है। एंगल आपको इसमें दिया है अल्फा वाई, ये आपका 90 डिग्री है। यहाँ पर बी पॉइंट पर जो एंगल लग रहा है वो 90 डिग्री है, और इस पर हमारे पास सी पॉइंट पर रहेगा अल्फा वाई टू, तो यहाँ रहेगा ये 90 डिग्री माइनस अल्फा वाई टू। ये आपको एंगल दिया हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम साथ में आपको दिया हुआ है। ये डायग्राम है, इसमें हमारे पास सी से बी वन, सी से बी टू, ये आपको क्रैंक रेडियस है, और सी से ए जो है ये है आपको, इसमें आपका ये वाला 300 mm सेंटर डिस्टेंस है, सेंटर डिस्टेंस है। तो हमारे पास इस टाइप से हम इसमें देखेंगे, अब इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में आपको ये दिया है सॉल्यूशन में, AC इक्वल टू दिया 300 mm सेंटर डिस्टेंस, CB1 इक्वल टू दिया 120 mm। The extreme position of the crank is shown in figure. आप डायग्राम में देखा, डायग्राम में देखने पर आपको 90 डिग्री का एंगल दिख रहा था। 90 डिग्री में हमारे पास जो एंगल बनेगा आपको लॉन्गिट्यूड और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो आपको साइन एंगल CAB1 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू CB1 अपॉन AC। CB1 अपॉन AC इसलिए लिखे, डायग्राम में देखें तो CB1 जो है इसमें इसमें लॉन्गिट्यूडनल है, और AC जो है वो हाइपोटेनस है। तो लॉन्गिट्यूडनल अपॉन हाइपोटेनस जो होता है वो साइन थीटा के लिए होता है। तो आपको साइन थीटा के लिए लोगे तो लॉन्गिट्यूडनल क्या है CB1, और हाइपोटेनस कौन सा AC, तो CB1 अपॉन AC। तो इसमें इसी टाइप से लिया हुआ है CB1 अपॉन AC, CB1 है 120 और AC हमारे पास 300, तो 120 अपॉन 300 करें तो 0.4 बचेगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसको अगर हम 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू आ जाएगा, तो साइन एंगल को हम इस साइड पक्षांतर कर देते हैं तो आता है साइन इनवर्स 0.4 हो जाता है। 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू साइन इनवर्स 0.4 हो जाएगा। अगर साइन इनवर्स 0.4 कैसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 23.6 डिग्री आ जाएगा। अब इसका पक्षांतर करेंगे 90 डिग्री का तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 23.6 डिग्री, तो ये आ जाएगा 66.4 डिग्री। अल्फा बाई टू इक्वल टू हो जाएगा 66.4 डिग्री। अब ये क्या है, अल्फा अल्फा बाई टू इक्वल टू 66.4 डिग्री, अल्फा इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर पक्षांतर हो जाएगा, तो 2 × 66.4 डिग्री हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होता है तो आ जाएगा 132.8 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू आ गया हमारे पास 132.8 डिग्री। अब इसमें हमारे पास दिया हुआ है फार्मूला होता है टाइम रेशियो निकालना, आपको टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक ये निकालना है। क्वेश्चन में दिया था टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक और टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक निकाल, तो आ जाएगा बीटा अपॉन अल्फा होता है, क्योंकि हमको अल्फा निकाल लिया तो इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, क्योंकि 360 डिग्री पे घूमता है, तो 360 डिग्री माइनस अल्फा करेंगे तो इस पे हम अल्फा की वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 132.8 डिग्री अपॉन 132.8 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.72। तो हमारे पास जो टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक है वो आ गया 1.72, ये आ गया टाइम रेशियो। इसमें हमारे पास टाइम कटिंग स्ट्रोक और टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक आ गया 1.72, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको निकालना है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ था फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक टू द टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, आपको रेशियो निकालना था टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। तो इसमें हमने निकाला
इस हिसाब से हम निकालेंगे टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक को कॉल्ड आ जाएगा 1.72, क्योंकि यह हमारे पास हो जाएगा 360 माइनस अल्फा बाई टू, तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे तो 360 डिग्री माइनस 132.8 डिग्री अपन 132.8 डिग्री तो आ जाएगा 1.72। तो टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक आ जाएगा 1.72। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में, एक क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है जिसमें द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड सेंटर इज 240 mm, जो आपका सेंटर डिस्टेंस है वो कितना 240 mm है, एंड द लेंथ ऑफ ड्राइविंग क्रैंक इज 120 mm, तो क्रैंक का रेडियस है वो है आपका कितना 120 mm। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्लॉटेड बार, आपको जो स्लॉटेड बार है उसका इंक्लिनेशन एंगल निकालना है विद द पार्टिकल इन द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द टाइम रेशियो ऑफ द कटिंग स्ट्रोक टू द रिटर्न स्ट्रोक। आपको इसमें रेशियो भी निकालना है, टाइम ऑफ रेशियो निकालना है, टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक एंड टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। और इसके बाद सेकेंड कंडीशन आपको दी हुई है, इसके साथ में सेकेंड कंडीशन ये दी हुई है, इफ द लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार इज 450 mm, यदि स्लॉटेड बार की लंबाई 450 mm है तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रोक इफ द लाइन ऑफ स्ट्रोक पासिस थ्रू द एक्सटर्नल पोजिशन ऑफ द फ्री एंड द ऑफ द लीवर। तो लीवर की जो आपका लेंथ ऑफ स्ट्रोक है वो आपको भी निकालना है। तो इसमें जो दिया है, एक क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर को एक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है जिसकी सेंटर डिस्टेंस है 240 mm, लेंथ ऑफ ड्राइविंग क्रैंक है कितना 120 mm, इसमें आपको निकालना है, फाइंड करना है इंक्लिनेशन ऑफ द स्लॉटेड बार, स्लॉटेड बार का एंगल, इसके बाद और इसमें हमारे पास टाइम रेशियो निकालना है कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का। इसके अलावा यदि आपको स्लॉटेड बार की लंबाई 450 mm दी हुई है तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि आपको लेंथ ऑफ स्ट्रोक निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कोई डायग्राम देख करेंगे पहले सब। ये इसका डायग्राम है, डायग्राम ये इसका क्रैंक है, ये स्लॉटेड बार है, ये क्रैंक रेडियस है और ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है। तो इसमें से आपको क्या करना है, इसमें आपको दिखा होगा तो सी पॉइंट इसका सेंटर आ जाएगा, ये जो हमारे पास एक स्लॉटेड बार ए पॉइंट से पी वन पॉइंट के लिए जो गया है वो बी वन से होते हुए गया, और पी ए पॉइंट से पी टू के लिए जो गया है बी टू से होते हुए गया, तो सी से बी टू और सी से बी वन, ये 90 डिग्री के एंगल पे बनता है। आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री के एंगल पे बन रहा है पूरा। और इसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास इसको अगर ये जो मुकर स्लाइड करता है तो यहाँ पर लाइन ऑफ स्ट्रोक जो रैम लगा रहता है वो आर रहता है, तो आर एक पी वन से आगे जाएगा तो आर वन जाएगा और इस साइड जाएगा तो आर टू जाएगा, तो आर वन आर टू है क्योंकि रैम फर्स्ट और रैम टू है, लाइन ऑफ स्ट्रोक में आता है ये पी वन और पी टू है और यहाँ पर सेंटर में क्यू दिया हुआ है, ठीक है ये पॉइंट आ गया। इसके बाद ये आपको 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है तो यहाँ पर आपको अल्फा बाई टू है, तो इस ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू, ये अल्फा बाई टू है, 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू हो जाएगा। और इसके बाद आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्रैंक रेडियस मतलब सी बी वन दिया हुआ है और ए सी दिया है मतलब सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस मतलब ये दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने पहले भी किया होगा क्वेश्चन, इसमें हम एंगल निकाल सकते हैं इंक्लिनेशन, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल पोजीशन में है सी बी वन वर्टिकल, ये 90 डिग्री में अगर देखें तो सी बी वन लॉन्गिट्यूडनल में है और ए सी हाइपोटेनस में है, ये लंबे बता है तो ये कर्ण के फॉर्म में है, तो हमारे पास एल अपॉन एच का फॉर्म आएगा, एल अपॉन एच जो होता है वो आता है साइन एंगल के फॉर्म में, तो साइन 90 माइनस अल्फा बाई टू, पहले हम अगर एंगल लिखा जाए तो क्या लिखा लिखा जाएगा सी ए बी वन, एंगल सी ए बी वन इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू आ जाएगा सी बी वन मतलब लॉन्गिट्यूडनल अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए सी, तो साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो सी बी वन मतलब लॉन्गिट्यूडनल और अपॉन ए सी तो हाइपोटेनियस, तो इसको रखेंगे तो हमारे पास ए सी हमारे पास अलग दिया सी बी वन अलग दिया, तो अब इसको क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन में कैसे इसको जब सॉल्व किया तो सॉल्व में हमारे पास इसका गिवन लिखा हुआ है ए सी इक्वल टू है 240 mm और सी बी वन इक्वल टू 120 mm, ए पी वन इक्वल टू 450 mm क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए सी मतलब दिया है आपको सेंटर डिस्टेंस, सी बी वन मतलब आपको क्रैंक रेडियस और ए पी वन मतलब आपको दिया हुआ है ये दिया है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, तो आपको 450 mm लेंथ ऑफ स्ट्रोक दिया है, सी बी वन आपको 120 mm दिया है और ए सी इक्वल टू 240 mm आपको सेंटर डिस्टेंस दिया है। और इसके बाद आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले इसमें निकालना है आपको, इसमें सबसे पहले निकालेंगे इंक्लिनेशन ऑफ द स्लॉटेड बार विद द वर्टिकल, वर्टिकल पोजीशन में स्लॉटेड बार का इंक्लिनेशन निकालेंगे, तो हमारे पास इसको हम किससे नोट करते हैं एंगल सी ए बी वन, डायग्राम में आपने देखा है इंक्लिनेशन ऑफ द स्लॉटेड बार विद द वर्टिकल में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा क्या आ जाएगा इस टाइप से आ जाएगा द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द क्रैंक इज शोन इन फिगर, साइन एंगल सी ए बी वन इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू बी वन सी,
या सी बी वन अपॉन ए सी लिख सकते हो। तो सी बी वन आपको जो बी सी दिया, बी वन सी दिया, 120 दिया है, और ए सी 240 दिया, तो 120 अपॉन 240, तो यहाँ आ जाएगा आपको सॉल्व करोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो एंगल सी ए बी वन इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू, साइन एंगल यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 0.5, यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 0.5, तो इसका आ जाएगा 30 डिग्री। साइन इनवर्स 0.5 को अगर कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो आपका आ जाएगा आंसर 30 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। अब इसमें क्या है, टाइम रेशियो निकालना है कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का दूसरा, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इसको अगर हम पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री अल्फा बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री आएगा तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, तो जाएगा अल्फा इक्वल टू 2 × 60 डिग्री, मतलब 120 डिग्री। इसमें हम जब रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकलेगा टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक मतलब बीटा अपॉन अल्फा रहेगा, तो अल्फा हमारे पास निकला है तो अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने ये पहले बताया था अगर अल्फा के फॉर्म में बीटा को कन्वर्ट करना है तो इसको लिख सकते हो 360 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री अपॉन 120 डिग्री, तो आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो टाइम रेशियो आया है कटिंग स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक का, तो आ गया 2 आ गया इसका आंसर। तो हमारे पास होगा टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक इक्वल टू 2। इसके बाद हम निकालेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक अगर निकालना है तो हो जाएगा बी नो देट लेंथ ऑफ स्ट्रोक इक्वल टू होगा R1 R2 इक्वल टू P1 P2 के बराबर, जो कि हो जाएगा 2P1Q। इसको कैसे डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में आपको ये दिया है R1 R2 इक्वल टू P1 P2, इसको अगर हम P1 और Q को देखें तो डबल हो जाएगा, तो 2P1Q हो जाएगा। तो इसको इसी टाइप से लिखा हुआ है R1 R2 इक्वल टू P1 P2 इक्वल टू 2P1Q, 2P1Q हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2AP1 साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू, तो इसको हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, और AP1 वैल्यू हमारे पास कितना है 450 डिग्री, लेंथ ऑफ स्ट्रोक है 450 डिग्री, तो 2 × 450 साइन 90 माइनस 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 900 × 0.5 450 mm हो जाएगा। तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो होगा R1 R2 इक्वल टू हो जाएगा 450 mm, 450 mm रहेगा लेंथ ऑफ स्ट्रोक का।